Hello, everyone, and welcome to our channel. Today, we are going to learn how to derive the saving curve from the consumption curve. We all know that whatever we earn, whatever is our income, either we consume that income for the satisfaction of our want or we save some part of income. So,

एट जीरो ऑफ इनकम वेन यू आर अर्निंग नथिंग दिस इज कोविड नाइनटीन के टाइम पे मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट अर्निंग दैट इ मीन दे आर नॉट डूइंग द कंज़प्शन दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन द मिनिमम नीड्स तो ऐट जीरो इनकम ऑल हम लग्जूरियस लाइफ नहीं जीते हैं बट स्टिल स्पेंड ऑन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर देंशियल ऑफ द लाइफ तो एट जीरो इनकम देर इज मिनिमम लेवल ऑफ कंज्शन और ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन कौन सा होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए होते हैं तो जो ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे इट जीरोनमस कंजप्शन हम इसे क्या कहते हैं ऑटोनमस कंजप्शन कहते हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होती है मतलब जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते नॉट लेट्स एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल यू आर अर्निंग नथिंग आपकी इनकम क्या है जीरो है क्लियर एंड यू आर कंज्यूमिंग आपकी इनकम कितनी है ज़ीरो है इनकम को वाई के साथ नोट किया है मैंने एंड कंजप्शन आपकी कितनी है हंड्रेड रुपीज़ आप हंड्रेड रुपीज़ दिन का खर्च करते हो बट यू आर नॉट स्पेंडिंग यू आर नॉट अर्निंग समथिंग तो आपकी सेविंग कितनी होगी अगर आप इनकम में से खर्चों को माइनस करते हो आपके पास सेविंग आते हैं दिस इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग नो नीड टू राइट दिस आपकी अर्निंग जीरो है आपकी कंजप्शन हंड्रेड है आपकी सेविंग कितनी आई सेविंग विल बी माइनस हंड्रेड और ये उतनी ही हुई जितनी ही आपकी क्या है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम थी जिसे ऑटोनमस कंजप्शन कहा था और ऑटोनमस कंजप्शन का साइन क्या होता है सी बार तो यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो ये इस बार भी टू के बोर्ड एग्जाम में था जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो आपकी जो ऑटोनोमस कंजप्शन है दैट इज इक्वल टू आपका जो सेविंग है एट जीरो लेवल ऑफ इनकम और इसलिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो सेविंग होती है उसे माइनस सी बार भी कहते हैं बोर्ड में डायग्राम बना हुआ था और डायग्राम में उसका पूछा हुआ था कि ये जो है जो हम फर्दर अभी एक्सप्लेन भी करेंगे ये जो गैप है इसको क्या डिनोट करोगे आप तो दैट गैप इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन क्योंकि जो जीरो लेवल पे आपकी कंजप्शन होती है दैट लीड टू योर सेविंग, आप अपनी पास सेविंग में से खर्चा करना शुरू करते हो तो जब आपकी इनकम जीरो है यू आर अर्निंग नथिंग देर इज मिनिमम लेवल ऑफ कंजन दैट इज नोन एज एटोन कंजप्शन एंड दैट विलीड टू दैट विल जो ऑटोनोम है वही उस टाइम पे नेगेटिव सेविंग है तो माइनस सी बार इज द डिससेविंग दैट मीन्स जो हमारा सेविंग कर्व है दिस इज द कर्व लिट मी नाउ प्लॉट दू द लेबलिंग प्लॉट द पॉइंट यहाँ पे बिकॉज कंजप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम और हमने कंजप्शन कर्व से अपना सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है तो पहले कंजप्शन कर्व बनेगा और फिर सेविंग कर्व बनेगा कंजप्शन किस पे डिपेंडेंट है इनकम के ऊपर सेविंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है ये दूसरा है सेविंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है ऑन द लेवल ऑफ इनकम देन जब अब इसकी बात करते हैं ये क्या है आपकी दैट इज एग्रीगेट सप्लाई जो आउटपुट प्रोड्यूस की है एंड दैट इज इक्वल टू योर इनकम क्योंकि जितना प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उससे इनकम जनरेट होगी एंड एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जब आपकी अर्निंग नथिंग है तो प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे इसलिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ए एस कहाँ से शुरू होती है जीरो से शुरू होती है जब बात करते हैं जीरो कंजप्शन क्या होती है मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है जिसे कंजप्शन कहते हैं दैट जब आपकी इनकम जीरो है आपके खर्चे जीरो के इक्वल नहीं है इसलिए आपका जो कंजप्शन कर्व है वो एक पॉइंट अबव द रीजन क्या होता है शुरू होता है तो ये सी बार है जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को क्या करे शो करे एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि वाई कंजप्शन कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे देर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन नोन एज अ अटोनोमस कंजप्शन इसलिए कभी भी इनकम जीरो हो खर्चे जीरो नहीं होते खर्चे कुछ ना कुछ मिनिमम होते इसलिए हमने इसे जीरो से स्टार्ट नहीं किया एक पॉइंट अबव द ओरिजिन स्टार्ट किया और जितना सी बार होगा उतना नेगेटिव सेविंग होगा और हमने मैथ तो किया हुआ है सबने की ये पॉजिटिव एक्सेस है तो नेगेटिव एक्सेस इसके नीचे होते हैं तो अगर यहाँ तक हम देखते हैं दूसरा ग्राफ है आपका तो ये आपका जीरो की लाइन है इससे नीचे आपकी क्या है नेगेटिव एक्सेस है तो जितना सी बार होगा उतना ही यहाँ पे माइनस सी बार होगा दैट इज लीड टू जितना गैप यहाँ रखे उतना गैप ही यहाँ रखने देन उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट आएगा जब आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी खर्चे भी बढ़ते रहेंगे देन देर विल बी अचुएशन वेन इनकम कर्व विल इंटरसेक्ट द कंज्शन कॉफ जब वो उसको क्या करेगी कट करेगी और कट कब करेगी वेन इनकम विल बिकम इक्वल टू कंज़प्शन एंड दिस इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है जब आपकी इनकम आपकी कंजप्शन के क्या होती है इक्वल होती है तो यहाँ पे सी आपकी इनकम कंजप्शन की इक्वल है इसने कट किया यानी अगर मेरी इनकम हंड्रेड है मेरे खर्चे हंड्रेड है स्पोज तभी दोनों बराबर होंगे तो मेरी सेविंग क्या होगी इनकम में से खर्चों को माइनस करना है सेविंग आना है इनकम हंड्रेड कंजप्शन हंड्रेड सेविंग कितनी आ गई जीरो तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं सेविंग की तो हमारी सेविंग क्या हो जाएगी जीरो और वो किसको टच करेगी आपकी एक्सेक्स को तो यहाँ पे हमारी सेविंग क्या होगी जीरो? देन उसके बाद जब आप इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है देन इनकम विल बिकम मोर देन कंजप्शन सी द एरिया यहाँ पे आपकी इनकम येरी एंड आपका लेवल ऑफ एडी यानी कंजप्शन का लेवल ये रहा तो जब आपकी इनकम आपकी कंजप्शन से ज्यादा है इट विल लीड टू द पॉजिटिव सेविंग्स क्योंकि सपोज इनकम है आपकी 100 कंजप्शन है आपकी सेवेंटी इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन देन दे विल बी पॉजिटिव सेविंग बिकॉज हंड्रेड माइनस सेवेंटी थर्टी एंड पॉजिटिव एरिया हमने ग्राफ में किया हुआ है जीरो रीजन की अब लाइन के ऊपर जो ये होता है एरिया दिस इज अ पॉजिटिव एरिया तो इनकम क्योंकि कंजप्शन से ज्यादा है इसलिए जो आपकी सेविंग है वो पॉजिटिव होगी एंड अ पॉइंट विल बी अब द एक्सेस नाउ बाय एट ज्वाइनिंग ऑल द थ्री पॉइंट दैट इज दिस सेविंग देन हमने जो ओ एक्स एक्सेस पे टच किया था क्योंकि हमारी सेविंग जीरो थी यहां सेगेटिव थी यहां से और यहां सेविंग पॉजिटिव थी बाईट जोइनिंग ऑल दी थ्री पॉइंट वी विल ड्राइव आर सेविंग कर्व फ्रॉम दी कंज्शन कर्व आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव द सेविंग कर् फ्रॉम द कंज्शन कर्व वेन कंजप्शन इज Minimum at zero level of income, it will lead to the dis-saving because consumption is greater than income. So our saving curve will start from a point below the x-axis. When income curve will intersect the consumption curve, there is a positive saving. So so our saving curve will touch the x-axis because savings are zero. And when income are greater than consumption, that means there is a positive saving and saving curve will be above the x-axis. By joining all the three points, you will drive your saving curve. I hope you are able to understand completely. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box.